दोस्तों, क्या आप में से किसी का ब्रेकअप हो गया है, या कहीं जॉब जाने का खतरा मंडरा रहा है, या फिर घर में किसी की तबीयत अच्छी नहीं है? चिंता, क्रोध, घबराहट भयानक भावनाएं हैं। जब भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे दिमाग को घेरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के अंदर किसी ने ताकत ही खींच ली है। दिमाग सुन पड़ जाता है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जाने अनजाने में आप भयानक परिस्थितियों की कल्पना शुरू कर सकते हैं, भले ही वे कभी भी ना घटे, लेकिन वे हमारे दिल और दिमाग के ऊपर तनाव, चिंता, टेंशन और स्ट्रेस छोड़ देते हैं। उस समय लगता है कि किसी भी तरह से हम इस मुश्किल परिस्थिति से बस बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, ऐसे समय में आपको निराश नहीं होना चाहिए। हम आपको बताने वाले हैं 5 आसान और कारगर उपाय जिससे आप अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाउ टू काम डाउन माइंड, अपने मन को कैसे शांत रखें। सबसे पहले तो आप अपने आप को आश्वस्त कर लें कि आप दुनिया में अकेले इंसान नहीं हैं जिसने इस नेगेटिव फीलिंग्स या सर्कमस्टांसेस का अनुभव किया है। पहला उपाय, डीप ब्रीथिंग करें। थोड़ी देर के लिए कुछ एक गहरी सांसें लेने से आप तुरंत अपने मन को शांत और शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। मान लीजिए अगले 30 मिनट में आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है या जॉब के लिए इंटरव्यू होने वाला है, परंतु आपका मन चिंतित या परेशान है और आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ऐसे मौके पर बस आपको इतना करना है कि एक शांत कोने में बैठ जाएं, अब एक गहरी सांस ले, अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से खूब भर दे और अब शांति के साथ श्वास को बाहर छोड़ दे। ध्यान रहे कि आपको यह सब बड़े आराम से करना है और कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप 3 बार, 5 बार या 7 बार कर सकते हैं। ऐसा करते समय कल्पना कीजिए कि आपके दिल, दिमाग और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति यानी कि एनर्जी का संचार हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है। जल्दी आप महसूस करेंगे कि आपकी दिल की धड़कन सामान्य गति से वापस आ रही है और मन अब रिलैक्स्ड है। दूसरा तरीका, किसी के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करें। अगर आप अपनी मुश्किलों के बारे में किसी को बताएंगे नहीं तो आप एक प्रेशर कुकर की तरह होते जा रहे हैं जो फट सकता है। अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं को दबाकर बंद ना करें। ऐसा करने से बेचैनी और घबराहट और अधिक बढ़ सकती है। तुरंत अपने पति या पत्नी या अच्छे दोस्त, माँ बाप या भाई बहन को बताएं कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको कम से कम 2 लाभ होंगे। पहला, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने से आपको राहत मिलेगी। यकीन मानिए, यह एक सिद्ध मनोवैज्ञानिक तकनीक है। दूसरे, जो व्यक्ति आपकी बात सुनता है वह एक अच्छा सुझाव या मदद या सलूशन दे सकता है जो आपको स्थिति से बाहर आने में मदद कर सकता है। एक अच्छे दोस्त के साथ बात करने से आपको आश्वासन मिलेगा। ऐसा करना आपको चिंता, तनाव और नकारात्मकता से छुटकारा दिला सकता है। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपके शरीर को रिलैक्स करेगा। बॉडी मसाज लें। मसाज घर और काम के तनाव से राहत पाने का एक शानदार तरीका है। अपनी मसाज के तेल में लेवेंडर जैसे एरोमाथेरेपी तेलों को जोड़ लें, विशेष रूप से आपको आराम और फायदा मिलेगा। आप सोचेंगे कि मालिश तनाव और चिंता को कैसे दूर करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, एक मालिश के दौरान आपके सॉफ्ट टिश्यूज, त्वचा और मांसपेशियों पर काम किया जाता है जो शरीर के विश्राम प्रतिक्रिया को तेज करके तनाव से राहत प्रदान करने में मदद करते हैं।
मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन को रिलीज करवाता है जो स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। इससे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में सहायता मिलती है। शॉपिंग करें और मजे करें। यदि आप वास्तव में शॉपिंग का आनंद लेते हैं और मॉल में घूमना पसंद करते हैं तो इसे तुरंत कर डालें। मैं हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसने बताया कि जब भी उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता है वह बाजार जाकर खूब सारी शॉपिंग कराता है। इससे उसका और उसकी पत्नी दोनों का मूड फिर से अच्छा हो जाता है। है ना ये एक मजेदार तरीका। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि आपके दिमाग में जो भी हलचल का पैटर्न चल रहा है उसे तोड़ना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका ध्यान उस तरफ ले जाएं और वह कुछ करने को कहें जिससे आपको खुशी और मजा मिलता है। कई बार दिमाग छोटी छोटी बातों में बहुत अटक जाता है और ये सरल चाल बहुत कामयाब हो जाती है। परंतु ध्यान रहे, ये सुझाव उन लोगों के लिए नहीं है जो क्रेडिट कार्ड से खूब खरीदारी करते हैं और अपना सारा धन लुटा देते हैं। पांचवा सुझाव, दिमाग को शांत करने के लिए एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं वे अपने शरीर में कहीं ना कहीं तनाव जमा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करके अपने शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करना बहुत आवश्यक है। एंडोर्फिन तनाव बस्टिंग हार्मोन है। इस प्रकार के बॉडी केमिकल्स आमतौर पर खुशी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव आउटलुक से जुड़े होते हैं। तो अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं या मन आपके काबू में नहीं है तो उठिए और अपने शरीर में कुछ एक्शन लाइए, कुछ शारीरिक एक्टिविटी करिए जैसे कि योगा, डांस, नृत्य, जॉगिंग, एरोबिक्स या फिर जिम जाइए और खूब वर्कआउट करिए। यह आपके मूड को भी ऊपर उठाएगा। दोस्तों, एक उत्तेजित, परेशान या बेचैन मन अत्यधिक मानसिक गतिविधि का संकेत है। यह असंतुलन का या इम्बैलेंस का भी संकेत दे रहा है। इसे समय समय पर शांत करना चाहिए और आराम देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा कि आपको कोई ना कोई चिंता या परेशानी सता रही है और अपने मन को शांत करने की आप इच्छा रखते हैं। दोस्तों, पसंद आया ना वीडियो? हमारा अगला वीडियो है कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करें। इसे भी आप जरूर देखें और इसमें दिए गए सुझावों का फायदा उठाइए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो बस इसे लाइक करके अपनी सहमति दें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जानकारी से अन्य लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। हम आगे भी और बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और घंटी वाले निशान को दबाकर हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख सकते हैं। हम सभी कमेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हम काफी सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं जिससे आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहे। आपने ये वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।